तो भाई इस वक्त हैं 2:05 दोपहर के। और मैं अभी घर पे आया हूँ, तो मुँह हाथ धो के फ्रेश हो रहा हूँ। तब तक आप बुलाया था, फरमाए मैं गया हुआ कहाँ था सुबह से इस गर्मी के अंदर। मुझे नहीं पता था इतनी गर्मी होगी, और मैं ये मोटा अपर पहन के चले गया। सुबह के टाइम पे तो ठंड थी, लेकिन इस वक्त बहुत शदीद गर्मी हो रही है बाहर। तो देख लें आप, फिर आगे बात करते हैं। सुबह वही इंसान अहमद इवेंट ऑर्गेनाइजर वही सुबह ये लिया है उठा के 10 बजे, चलो इवेंट है। इधर आके बोलना, ज़रा इधर आके बोलना जो भी बोल रहे हो। ये सुबह ही सुबह कितने बजे, क्या टाइम, टाइम क्या हो रहा है अभी? भाई सुबह हो रही है 10:30 बज रहे हैं, उस वक्त हो रहे थे 10:30, तो अभी तो 11 बज रहे हैं। सुबह ही सुबह 10 बजे कॉल करके बोल रहे हैं इवेंट है, जाना है। पूरी रात को नहीं बताया, कल नहीं बताया इसने, सुबह ही सुबह उठा के लिया है ये सब। बिस्किट खिला रहा है और ये जूस पिला रहा है, बताओ इतना मोटे आदमी को तुम एक बिस्किट और एक जूस पिलाओगे? देख भाई काम जैसा भी हो, पैसे मुझे पूरे चाहिए, सही है? तुमका नाश्ता नहीं किया हुआ, तुम्हारी गलती है। तो बोल आगे आ जाओ शाम को। तकरीबन निमटा दिया हमने, अबे कुंडी लगी हुई बाहर से, अंदर के चलेंगे लो। और हम फार्म हाउस में बंद हो गए, निमटा दिया हमने इवेंट फुल धमा चौकड़ी वाला, और फार्म हाउस में बंद हो गए अपन। ट्रेन में चले, जहाज भी खड़ा है, जहाज निकाल लो होल्ड। चलो भाई अब निकलेंगे हम घर के लिए, रक्षा नहीं है हमारा भाई के, सही है भाई? मिलते हैं आपसे घर पे। तो भाई वक्ता भरा है चाय, अभी हम पियेंगे चाय। ये अलासिफ का रोड जा रहा है इसलिए हॉर्न बज रहे हैं यहाँ पे टेढ़ी पापा। और भाई तुम ये बताओ, रात को मैसेज नहीं कर सकते हैं? कैमरा बंद कर दे। आ रहा है तुम्हारे मुंह में कुछ आ रहा है, लेकिन वीडियो के सामने तुम बोलना नहीं चाह रहे। समझ रहा हूँ तुम्हारे दिल के जज्बात, बोलो। देख यहाँ पे नाश्ता का खत्म हो गया, लो आटे का तवा सूख के रख दिया। तो तुम ये बोल लो कि सुबह क्यों उठा दिया? सुबह तो तब हो रही थी ना, अब तो दोपहर हो रही है। एक घंटे में काम करके आए। हाँ ये भी है, स्पीड मेरी स्पीड इतनी तेज है ना, ये तो ऐसे ही जाता हूँ इसको लेके, बेचारे को काम करना नहीं है इसका, इसलिए बेचारे को ले जाओ। अब क्या करें, चाय पी ले। चलो भाई फिर मिलते हैं आपको चाय वाय। तो भाई हो गया मैं फ्रेश, और देख लिया होगा आपने कि मैं कहाँ गया हुआ था सुबह से। अचानक से अहसान भाई की कॉल आई सुबह ही सुबह 10 बजे, जबकि मैं सो रहा था। तो मेरी अम्मी के नंबर पे उसने कॉल करी, मुझे उठाया उन्होंने, फिर हम फटाफट से बस मुंह हाथ धोया हमने, निकल गए। रास्ते में से बिस्किट ले लिए थे वहीं पहुंच के, तो बिस्किट से गुजारा किया और इवेंट करके आ गए हम सुबह ही सुबह। व्लॉग मैं क्यों नहीं कर रहा इतने दिनों से, उसकी वजह मैं बता देता हूँ आपको कि मेरे अभी मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो
यहाँ पे ना पहले तो गुद्दी पे उड़ा था इस तरफ पीछे की तरफ, पता नहीं क्या हुआ था, किसी चीज़ ने काटा है अल्लाह जाने या अंदरूनी कोई मसला हुआ है, जगह फूल सी गई थी, पहले पीछे की तरफ थी अब वो यहाँ पे आ गई, शिफ्ट हो गई, पता नहीं क्या हुआ है। तो उसकी वजह से मेरी गर्दन यूँ भी नहीं हो रही थी, अब तो थोड़ा बहुत बेहतर है, डॉक्टर के पास भी नहीं गया मैं, कैप्सूल वगैरह मैंने खा ली थी एंटीबायोटिक्स, तो उससे फ़र्क पड़ा था। और पहले तो यूँ भी नहीं की जा रही थी, मेरा ये हाथ भी नहीं ऊपर उठ रहा था, अब तो हाथ पाँव भी काम कर रहे हैं, सर में इस तरफ दर्द हो रहा था इसी की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर बात है नसें वसें खिंचड़ी थी, इसलिए मेरी गर्दन यूँ नहीं हो रही थी, यूँ बिल्कुल हिल ही नहीं रही थी गर्दन, सोने में भी तकलीफ, नींद हराम, प्रोटीन भी मेरी ख़राब हो गई वापस से, क्योंकि नींद आई नहीं रही, जब गहरी नींद आती है ना तो फिर तो मैं सो जाता हूँ खते घोड़े बेच के, जो मैं जाता हूँ लंबा लंबा हो जाता हूँ, लेकिन वो टाइम वाली नींद नहीं आ रही थी, रूटीन भी मेरी आउट हो गई, फिर से वही रूटीन हो गई, कब सो रहा हूँ कब उठ रहा हूँ पता ही नहीं है कुछ, उठ तो मैं जाता हूँ खैर 2:30 बजे 12-1 बजे 2:30 बजे ऐसे उठ जाता हूँ, लेकिन रातों को 5 बजे 6 बजे ऐसे ऐसे सो रहा हूँ, क्योंकि नींद ही नहीं आती भाई, जब पक्की नींद आती है तभी सोने को तभी सोया जाता है, वरना तो सोया नहीं जाता, करवटे बदलते रहता हूँ, दर्द होता रहता है इस तरफ। और डॉक्टर के पास मैं जाता नहीं हूँ, क्यों नहीं जाता, क्योंकि डॉक्टर आजकल के भाई कोई बात हो सुई लगा देंगे, आ जाओ भाई सुई लगा दो ड्रिप लगा लो, सुई लगा दो ड्रिप लगा लो, यही करते रहते हैं, दवाई से तो काम होता ही नहीं है, तो बोलते हैं सुई लगा लो, और सुई से मुझे भाई डर लगता है, साफ सीधी बात है मुझे डर लगता है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास अब जाते ही नहीं, बहुत कम जाता हूँ, इसका भी मैंने बोला चलो हो जाएगा सही, लेकिन अब मुझे लग रहा है जाना पड़ेगा, तो आज या कल दिखाऊंगा डॉक्टर को। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग में, जल्दी ब्लॉग स्टार्ट करूंगा मैं, ये बस ये मसला हल हो जाए मेरा, आज भी मैंने बस बोला कर लेते हैं यार, इतने टाइम से नहीं किया, तो बस बना लिया आज का ब्लॉग, छोटा सा जो भी बना है देख लेना आप, सही है भाई, मिलते हैं फिर आपसे किसी और वीडियो में जल्दी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टाटा बाय बाय।